हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए चना दाल का तड़का रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चना दाल को फुला लेंगे। फुलाने के लिए हम लोग रात भर इसे भिगो के रख देंगे या फिर 3 से 4 घंटा भिगो के रखने से भी ये अच्छे से फूल जाती है। अगर हम इसे कढ़ाई में बनाएँ तो इसे हम 3 से 4 बार उबाल लेंगे, इससे चना हमारा गल जाएगा। मैं इसे कुकर में बनाऊंगी और मैंने तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 3 तेज़पत्ता डालूंगी और मार्केट में जो पंच फोड़न मिलता है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये जब खुशबू छोड़ने लगेगी तब हम लोग इसमें 3 कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारे फ्राई होते हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 लौंग, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। साथ में लेंगे कटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसलिए हम इसे साथ में इसका पेस्ट बनाएंगे और इसमें डालेंगे जीरा और पानी मिक्स करके इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। मसाला, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इन मसालों को तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाले मेरे बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इसमें भीगे हुए चने को डाल दूंगी। मसाला के साथ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें से जो थोड़ा सा पानी निकलेगा हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। उसके लिए हम कुकर का ढक्कन ऊपर से थोड़ा देर लेंगे। तीन मिनट के करीब हो गए हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका सारा पानी निकल गया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल करके कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी तक मैं इसे पकाऊंगी। तीन सीटी हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। चने मेरे नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करूंगी। पानी मेरे बिल्कुल सूख गए हैं इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल करके इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके पकाऊंगी। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पक गए हैं।
अब हम लोग इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाला है सूखा मिर्च और कड़ी पत्ता। मिर्च का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे दाल में मिक्स कर देती हूँ। आपने देखा ना कितनी आसानी से बन गया हमारा चना दाल का तड़का। इसे हम रोटी और पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।